ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल कॉलेज जर्नी विद अभिषेक। आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आ रखे हैं लेमन टेक यूनिवर्सिटी जो है पंजाब में। इसका स्लोगन है क्लासेस फॉर मासेस विच प्रोवाइडिंग यू द पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो हमको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्ट चांसलर सर के साथ वीडियो बनाने की। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट, मैं आप लोगों को चांसलर सर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, इट्स मी अभिषेक। सर, ग्रेटर नोएडा से आया था। मैंने ग्रेटर नोएडा में काफी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की वीडियो बनाई थी। आज सर मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आया था। आपकी यूनिवर्सिटी एक टेक स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है। सर, आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रही है अदर यूनिवर्सिटीज से जिससे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प हो फ्यूचर में अपनी ड्रीम जॉब अचीव करने में? लेमन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब जो है अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसको इंडस्ट्री इंक्यूबेट कर रही है। बिकॉज आपने देखा होगा काफ़ी एक चर्चा होती है कि इंडस्ट्री और अकेडमिया को मिल के काम करना चाहिए, इसको हम इंडस्ट्री अकेडमिया इंटरफेस कहते हैं। तो लेमन टेक स्किल यूनिवर्सिटी क्लासिक एग्जांपल है एकेडमिक एंड इंडस्ट्री की इंटरफेस की। इसमें इंडस्ट्री के जो नाम है, बड़े नाम है जैसे IBM है, टाटा है, एनसिस है, वो इसमें पार्टनर है। दे आर द पार्ट ऑफ इंक्यूबेटिंग द एंटायर यूनिवर्सिटी एट दैट लेवल। तो जिसने इस यूनिवर्सिटी को डिफरेंट कर दिया कि इंडस्ट्री की ओर से बनी यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम चलेंगे वो सारे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझ के चलेंगे। तो हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं चला रहे जो इंडस्ट्री की ओर से बैक्ड नहीं है या इंडस्ट्री की सपोर्टेड नहीं। तो ऑल प्रोग्राम्स आर इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री, दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। सो दिस मेक्स द लेमन टेक स्किल यूनिवर्सिटी डिफरेंट बिकॉज ऑल द प्रोग्राम्स इन ऑल द स्कूल्स आर वेरी वेरी यूनिक प्रोग्राम्स। सर, अपने यहाँ एक बीटेक कंप्यूटर साइंस है जो IBM के कोलैबोरेशन में है, AIML में, डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में एंड IoT में। और एक आज हमने प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया LNT के साथ, लार्सन टर्बो जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसके साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में किया। और हम देखते हैं कि सारे कॉलेजों में अलग अलग बीटेक के प्रोग्राम है। तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है ये बाकी अदर प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है? जैसे मैंने पहले बताया, हमारी यूनिवर्सिटी ही डिफरेंट है तो इंडस्ट्री की ओर से है, इसलिए हमने जितने भी प्रोग्राम चला रहे हैं वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ है। हमारा एक प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस का चल रहा है जिसमें IBM के साथ मिलकर चल रहा है। IBM के वो प्रोग्राम और जगह भी चल रहे हैं, बट ये प्रोग्राम यूनिक कैसे है कि दिस इज अ कम्प्लीटली आउटकम बेस्ड प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम। एंड ये जो IBM ने लेमरिन में प्रोग्राम शुरू किया है, ये 4 साल में 2.5 ईयर बच्चा ऑन इन द क्लासरूम ट्रेनिंग है, 6 मंथ वो बच्चा इन कैंपस जो है कम्प्लीटली हैंड्स ऑन के ऊपर काम करेगा। एंड आफ्टर दैट जो 2 सेमेस्टर हैं विच इज 1 ईयर कम्प्लीटली दे विल बी डिप्लॉयड ऑन द जॉब, मतलब दे विल नॉट नीड एनी ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वी आर यूजिंग अ वर्ड ऑन द जॉब डिप्लॉयमेंट। तो दिस इज हाउ ये बच्चा जो एक डिग्री कंप्लीट करेगा, ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो डिग्री कर रहे हैं उसमें बड़ा डिफरेंट है। बिकॉज रेजिडेंशियल में बच्चा रह के एक 2.5 ईयर में वो सीख रहा है एंड देन 1.5 ईयर का वर्क एक्स ले रहा है। और जो इसका स्टार्टिंग पैकेज होगा वो 5 लाख को बेंचमार्क किया गया है एंड अप टू द रेंज कुड बी एनीवेयर। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम काफ़ी डिफरेंट रहा और वी गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें बच्चे मेरिट वाले बच्चे जो ऑन द वी टुक देम ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट वाज वन एरिया। देन दूसरा उसका जो मेन फोकस था कि एक नेशनल लेवल के टेस्ट के थ्रू उनको लिया गया एंड उसमें हमने देखा कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड जेंडर स्प्रेड होने से क्वालिटी एडमिशन उस प्रोग्राम में हुआ। ये हमारा लास्ट ईयर का मेजर सक्सेस था। इस साल हमने कोर इंजीनियरिंग में प्रोग्राम शुरू किए जिसमें आज प्रोग्राम लॉन्च किया गया LNT के साथ, कोर इंजीनियरिंग BTech इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो ये जो 3 प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हैं, ये तीनों प्रोग्राम्स कोर इंजीनियरिंग विद LNT हैं। एंड इसको करने के बाद बच्चा जो है ये एक तरह से वो डिप्लॉयबल होकर बाहर निकलेगा, ये हमारा एक विजन है। और this makes this program are totally different because entire curriculum is designed by the industry,
delivered by the industry or industry certified trainers. And the third very important is that project based outcome, जो बेस लर्निंग एंड प्रोजेक्ट थ्रू प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ये बच्चे जो है तैयार किए जाएंगे. सो एल एन टी के आने से ये जो कोर इंजीनियरिंग है दैट हैज बिकम वेरी यूनिक एंड दिस प्रोग्राम इज यू एस पी जो है इसको डिफरेंट करती है बाकी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम. आई नो आप लोगों को वीडियो को देखते देखते काफी सारी क्वेरीज आ रही होंगी, यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा है. तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप लोग उस गूगल फॉर्म में लिख के सबमिट कर सकते हैं. आप लोग उस गूगल फॉर्म में अपना फोन नंबर, मेल आई डी, क्वेरी, कोर्स इंटरेस्टेड, हर एक चीज लिख के सबमिट कर सकते हैं. सर आजकल जो प्राइवेट एजुकेशन है वो अफोर्ड से बाहर चला गया. लोग आजकल जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता और वो एंड अप कर देता है डी ग्रेड कॉलेजेस में. उसको अपने लोकल कॉलेज में कहीं एडमिशन ले लेता है और उसके बाद आउटकम कहते हैं कि 15 लाख में से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों का जॉब लग रहा है. 15 लाख लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं. तो हम अपने यहाँ ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है, या उन लोगों को जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यदि आप देखिए तो लेमरिन ने ये शुरू से लेमरिन का एक प्रीएम्बल रहा है क्लास फॉर मासेस. हम क्लास एजुकेशन मासेस के लिए देंगे. वी वांट दिस टू बी टू द रीच ऑफ अ कॉमन मैन. जो इवन हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं बट मेरिटोरियस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, मेरिट होनी चाहिए, वो बच्चे आ सकते हैं. इसके लिए हमने स्किल लोन की स्कीम भी लॉन्च की. बट इस साल हमने एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव लेके आए जो शो करता है कि लेमरिन की जो बैकअप है बाय द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. पे आफ्टर प्लेसमेंट. पे आफ्टर प्लेसमेंट में क्या है कि बच्चा जो टोटल फी है उसका हाफ फी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन देगा, जो उसका कोर्स कंडक्ट कोर्स की कंप्लीशन के दौरान, और हाफ फीस अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, जॉब लगने के बाद वो बच्चा जो है अपना हाफ फीस देगा. ये प्रोग्राम अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है इंडिया में, बिकॉज किसी ने अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया है. और ये शो करता है कि लेमरिन के जो क्रेडेंशियल है एंड बैकअप इज सो स्ट्रॉन्ग दैट हम 50% फीस जो है उसकी आफ्टर लेंगे. और आई रिमेम्बर आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपको क्या श्योरिटी है कि पैसे बच्चे देंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, क्योंकि बच्चे नौकरी लग जाएंगे, आपके पास क्या रहेगा. तो वी सेड के हम बच्चों को ऐसा एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं 4 सालों के अंदर और बच्चों की नीड को समझने के बाद, एंड वी आर वेरी श्योर कि वो बच्चा जो है जब वो अच्छी डिसेंट एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, वो अच्छी अर्निंग करेगा, तो वो इस लोन को जरूर पे कर, इस तरह से जो रिमेनिंग फी है इसको जरूर पे करेगा. वी हैव सीन ऑल्सो इन द पास्ट, डेटा ऑल्सो शोज कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेरिट पे लिए जाएं और अच्छे लेवल पे सिलेक्ट किए गए हों. जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इवन लोन भी मिलता था, तो लोन में एनपीए रेट बहुत कम है बिकॉज दे हैव बीन टेकन ऑन दी मेरिट बेसिस. ऑन द सेम प्रीएम्बल हम 50% फीस जो है बच्चों की आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डिग्री लेंगे, 50% जो है वो हमारे ड्यूरिंग दी वर्क देगा. और वो 50% भी तब लेंगे जब उसकी एक मिनिमम सैलरी जो हमने उसको की है, प्रॉमिस की हुई है, वो मिल जाएगी, तब हम उससे वो लेंगे. तो ये दैट वेरीज. वी हैव बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तीनों में एक मेरिट बेस हम बच्चा ले रहे हैं और बच्चे के लिए अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि किसी बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से है. They are most welcome to come and be part of this unique initiative and get hold of these good openings which we are giving. Sir, आपने इतनी unique university को establish किया है, इसके पीछे आपका inspiration क्या था? हमारा देखिए, मैं खुद 25 years से education में, 25 साल से मैंने खुद education में एक सफर तय किया है और skill education में तो मैं खुद एक तरह से हम लेके आए हैं skilling. मेरा जो अपना फोकस एरिया रहा है स्किल एंड एजुकेशन पे रहा है. हमने देखा है कि एजुकेशन एंड स्किल्स को डिफरेंट देखा जाता है, तो हमने इसको लेमरिन के अंदर इंटीग्रेट करके दिखाया थ्रू दिस प्रोग्राम विच आई मेंशन. चाहे वो हमारे पे आफ्टर प्लेसमेंट है, हमारा लर्न एंड अर्न है और हमारे आईबीएम जैसे प्रोग्राम.
इस पूरे के पीछे एक थॉट प्रोसेस था कि जो हमारे यहाँ बच्चे इस टाइम, इंडिया इज अ कंट्री विद लार्ज नंबर ऑफ यंग वर्कफोर्स, हमारी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए, वी विल हैव टू मेक इंडिया एज अ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. उस विजन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए हाउ दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिस मेकिंग इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली हैपन इफ लैमरिन type of universities are there in India and we are able to integrate skill and education together so that hamare bacche employable ho not only in India but even outside India because whole world is looking at us. So ye puri thought process ko mind mein rakhte hue humne ek vision liya ki hamari jo university hogi this will be by the industry or for the industry and we will do all the program with the collaboration of. तो ये पूरा माइंडसेट फोकस इज टू मेक इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड लैमरिन शुड बी पाइनियर इन डूइंग दैट बाय इंटीग्रेटिंग स्किल्स एंड एजुकेशन टुगेदर एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड द फोकस इज ऑन क्लास फॉर मासेस. विद ऑल दीस थिंग्स वी आर स्ट्राइविंग हार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मेंशन हियर आल्सो दैट वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स for our university. Within 2 years we have crossed 6,000 plus students and this year our target is to reach about 10,000 students in the mainstream education. If I talk about the other government sponsored schemes and others, we will be touching many lives. So this university is going to be top universities as far as class education is there for the large section of the society. एंड सर, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी उसको हेल्प करती है फाइनेंशियली और मेंटली? हमारा, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा यूनिवर्सिटी का मेजर फोकस ही है कि हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लें. तो हमने जैसे यूनिवर्सिटी का जो मेन प्रीएम्बल भी लिखा है कि जो भी लैमरिन में आएगा वो डिग्री के साथ कुछ बन के निकलेगा, जहाँ तो वो जॉब लेके निकलेगा डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, जहाँ वो जॉब देने वाला बन के निकलेगा. एक तो होता है स्लोगन कि बन के निकले. हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइंड इन सच अ मैनर, दोज हु एस्पायर टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर, हमारे पास जो स्कूल ऑफ स्टार्टअप है वो इनको सपोर्ट कर रहा है कि भी आप जिस भी पॉइंट में जाना चाहते हैं उनको पूरी की पूरी गाइडेंस भी देंगे, एंजल इन्वेस्टमेंट भी देंगे, इवन टू बिगिन विद हम स्पेस भी देंगे सो दैट दे बिकम एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर एंड देन मूव आउट ऑफ द कैंपस After completing their degree. So ये model वही रखा गया है. 2.5 years जैसे मैंने कहा in campus है, 1.5 year बच्चा on the job deployed होगा जो job करना चाह रहे हैं. जो कहते हैं मैंने entrepreneur बनना है तो 1.5 year जो last 3 semesters हैं वो completely focus होंगे on the entrepreneurship so that वो 1.5 year में अपना business setup कर सके and move out करे with by being the entrepreneur, not just by taking gyan or knowledge from us, but by having that in their hand, the business aspect and realizing on ground and move out. So we are absolutely geared up to support candidates with the entrepreneurship and intrapreneurship kind of support, which we will be giving. ओके सर, अब आपने बता दिया आपकी यूनिवर्सिटी क्यों डिफरेंट है अदर यूनिवर्सिटीज से. सर, आप कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सो मैं आपके माध्यम के राय के थ्रू, क्योंकि आपने, आपका जो चैनल है काफ़ी यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड मैं आपके माध्यम के थ्रू सारे यूपी के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे अदर स्टेट लाइक बिहार एंड उन सबको मैं आपके माध्यम के राय इन्वाइट करना चाहता हूँ. ये यूनिवर्सिटी आप पंजाब में बनी है बट अकेली पंजाब के लिए नहीं है. इट्स अ यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी वर्ड इज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द लैमरिन वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बुद्धा, बुद्धिज्म. तो आप, हम, मैं आपको ऑन द बिहाफ ऑफ द लैमरिन आपको इनवाइट करता हूँ. आप कैंपस में आइए, कैंपस को देखिए और इस यूनिक प्रोग्राम जो भी हमने चला रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड एंड अदर फील्ड्स, वेरियस स्कूल्स आर बीइंग रन, बी पार्ट ऑफ इट. Have an experience of this institution, which is institution set up in Ghopar district, right on the bank of Satluj River, surrounded by the foothills of Shivalik. So, I really like karenge iska environment, eco-friendly environment, very natural environment, and aapki puri as if you are in your home, we will take care of you.
तो आप रेस्ट श्योर रहिए, आपके पेरेंट्स रेस्ट श्योर रहे, वी आर देयर एज योर पेरेंट, एज योर फ्रेंड्स, एज योर जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं उसकी तरह का पूरा इन्वायरमेंट आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। तो ऑन थ्रू योर माध्यम मैं सारे बच्चों को इन्वाइट करता हूँ, बी पार्ट ऑफ दिस यूनिक प्रोग्राम्स। ओके, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। होप सो माई व्यूवर्स को काफी हेल्प हुई होगी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज को चूज करने में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो फॉर रीचिंग आउट टू अस एंड बी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आपने खुद कैंपस देखा है और आपके थ्रू सब लोग इस कैंपस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।